डीएलएड 2022 के बोर्ड फॉर्म आप किस प्रकार से फिल कर सकते हो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, प्रिंट तक बताऊंगा। हर एक स्टेप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बोर्ड फॉर्म की, तो बोर्ड फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो बोर्ड फॉर्म है वो आप किस प्रकार से फिलअप कर सकते हो, इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए शाला दर्पण के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, या फिर आपको जो है किसी भी ब्राउज़र पे लिख के सर्च करना है शाला दर्पण। तो यहाँ पे अगर आप शाला दर्पण लिख के सर्च करोगे तो आपके सामने जो है शाला दर्पण की इस प्रकार से एक वेब ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से शाला दर्पण का जो है इंटरफेस या पेज ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको इस प्रकार से आइकन या यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये तीर वाले मेन्यू पे क्लिक करके डीएलएड एग्जाम वाला ऑप्शन यहाँ पे सर्च करना है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है इंटरफेस ओपन होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन शो होगा स्टूडेंट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। या फिर फ्रेंड्स आपको इधर होम वाले सेशन में भी यहाँ पे आपको स्टूडेंट वाला ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने स्टूडेंट लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और ये कैप्चर कोड एंटर करके यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। अगर फ्रेंड्स आपके पास में यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है, तो यहाँ पे आप सर्च यूज़र नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके भी जो है इसको सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से जो है डीएलएड कर रहे हो तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको जो है कोर्स सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप संस्कार से कर रहे हो, संस्कार सेलेक्ट करोगे, या फिर आपको डीएलएड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम दे देना है। आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से आप जो है कर रहे हो तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एडमिशन सेशन वर्स सेलेक्ट करना है। तो आपका जो भी एडमिशन सेशन वर्स हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको कैंडिडेट्स का नाम एंटर करना है। उसके बाद में ये कैप्चर कोड यहाँ पे एंटर करके सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे एंटर करके आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसमें आपके यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड कर दे जाएंगे, तो आप उनसे इसमें लॉगिन कर सकते हो। तो आपको वापस से आ जाना है स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे। उसके बाद में यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करेंगे, उसके बाद में पासवर्ड एंटर करेंगे, और उसके बाद में ये कैप्चर कोड यहाँ पे एंटर करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है कैंडिडेट्स की प्रोफाइल शो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार आपको कैंडिडेट्स की अच्छे से डिटेल चेक कर लेना। उसके बाद में यहाँ पे आपको होम बटन पे यहाँ पे आपको कैंडिडेट और एग्जाम एक्टिविटी वाला ऑप्शन शो होगा। तो बोर्ड फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एग्जाम एक्टिविटी वाले ऑप्शन पे इस पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको इस प्रकार से ऑप्शन शो होंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है डीएलएड एग्जाम एप्लीकेशन वाला जो है ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। एग्जाम एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो पेज ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको जो है यहाँ पे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पे आपके जो फ़ोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स है वो फर्स्ट ईयर से ले ले जाएंगे। तो आपको सेकेंड ईयर में कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना, आपको ओनली जो है फर्स्ट ईयर में ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो आपको इस प्रकार से जो है ये जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल में कुछ बेसिक डिटेल है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने होते हैं। यहाँ पे परीक्षा का माध्यम आपको सिलेक्ट करना होता है, बाकी और जो डिटेल है यहाँ ऑटोमेटिकली इसमें फिल होके आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे महाविद्यालय की डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आपको फिलअप नहीं करना, ये ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। आपको बस यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है क्वालिफिकेशन डिटेल आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना। अगर आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल अच्छे से फिलअप करने, और अगर आप सेकेंड ईयर में है तो यह डिटेल भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है परीक्षा का नाम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ईयर में का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप सेकेंड ईयर का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सेकेंड ईयर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने जो ईयर के हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि अभ्यर्थी प्रथम वर्ष में प्रोन्नत है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपको नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है विषय देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको विषय को थोड़ा ध्यान से
फ्लिप करना है, क्योंकि वीसी अगर आपने गलत फ्लिप कर दिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स दो एच के विषयों के रूप में आपको सेलेक्ट करने होते थे। अगर आप सेकेंड ईयर का फॉर्म फिलअप कर रहे हो और अगर आपके बायो नहीं रहा ट्वेल्थ में, तो यहाँ पे आपको जो फ्रेंड्स एक सामाजिक विज्ञान शिक्षण वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद में एक आपको जो है तृतीय भाषा के रूप में आप संस्कृत वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ये दो ऑप्शन आपको जो है दो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो ये आपको जो डिटेल वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नीचे सो ऑप्शन सो होगा, आपको जो है यहाँ पे सेव बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए बोलेगा। तो आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दो सब्जेक्ट जो है अच्छी रूप से आपको जो है सेलेक्ट करना है। यहाँ तो एक आप या तो साइंस कर सकते हो अगर आपके ट्वेल्थ में बायो रहा हो तो, अन्यथा आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षण और संस्कृत शिक्षण सेकेंड ईयर के लिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है फॉर्म सबमिट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है कैंडिडेट एग्जाम एप्लीकेशन हैज़ बिन फाइनल सबमिट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपके फॉर्म में किसी प्रकार कोई त्रुटि हो गई तो यहाँ पे आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई फॉर रिजेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो है आप अपना फॉर्म दोबारा से फिलअप कर सकते हो। एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो है इसका प्रिंट आउट लेके अपने महाविद्यालय या अपने जो संस्थान है उसमें जमा करवाना है। तो आपको वापस से आ जाना है होम सेशन पे। उसके बाद में आप डीएलएड एग्जाम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रिंट, तो आपको इस पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट ले लेना है। तो इसके प्रिंट आउट को आप अपने लैपटॉप में सेव कर सकते हो या फिर इसकी जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट आप सेव करके या इसकी जो हार्ड कॉपी वो आप प्रिंट आउट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर